नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं सभी भाइयों को पहाड़ों की तरफ घुमाने के लिए लेकर आया हूँ और दीपक भाई को सिखाने के लिए। मैं आपको दिखाऊं, शायद ही कोई ऐसी जगह पे सिखाता होगा। मुश्किल लगता है मुझे कोई सिखाता होगा। कोई सिखाता होगा? नहीं। हाँ भाई, कोई नहीं सिखाता इस सड़कों पे। जहाँ मैं सिखाता हूँ, जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ ये बीके जाता है। तो देखिए दोस्तों, लैंड स्लाइड हो रही है और मैं ऐसी जगह पे कार सिखा रहा हूँ, मज़ा ही आ जाएगा। तो ऐसी जगहों पे सावधानी ये बरतनी है, खासकर तो ऊपर देखना है, और अगर आपको लगता है कि बरसात हो रही है तो ना जाएं, ठीक है। अभी तो जैसे बारिश नहीं हो रही तो हम जा सकते हैं, इसलिए मैं आया। अभी मैंने पहले पता किया रूट का कि रूट ओके है तो मैं आया हूँ, अगर रूट ओके नहीं होता तो नहीं आता, ठीक है। तो बरसातों में तो फिलहाल ना जाएं, लेकिन मैं तो आ गया हूँ क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, मौसम अच्छा हो रहा है इस वजह से। तो लैंडस्लाइड वाली जगहों पे जरा आराम से चले, सावधानी पूर्वक ऊपर देखते हुए, कभी भी पहाड़ खिसक सकते हैं, ठीक है। चढ़ाई पे चढ़ रहे हो तो आपका पहला दूसरा ही गियर रहेगा, तीसरे गियर का इस्तेमाल ना करें। मोड़ों पर हॉर्न दे, हमेशा अपने बाएं चले, ठीक है। हॉर्न दो यहाँ दबा के, स्पीड कम करो, स्पीड ज़्यादा नहीं, स्पीड से मोहब्बत नहीं करनी है। हाँ, वरना यमराज से मोहब्बत हो जाएगी। तो यहाँ का नज़ारा अल्टीमेट है यार। तो दीपक भाई पहली बार आ रहा होगा आप यहाँ पर इस जगह? हाँ। हरीश भाई पहली बार आ रहा होगा? हाँ जी सर। सुरेश भाई पहली बार आ रहा होगा? हाँ। अक्षत भाई? मैं तो आ चुका हूँ। आ चुको, क्योंकि आपका गांव है। तो बाकी मैं तीनों से पार्टी लेना चाहूँगा, क्योंकि तीनों को नई जगह घुमाया है मैंने आज, ठीक है। तो रामनगर पहुँचते मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला देना, डन समझू मैं? हम तो बियर पिलाएंगे आपको। ओ तेरी, ये मेरे चैनल पे कैसी कैसी बातें हो रही भाई। आई एम नॉट एल्कोहलिक। हॉर्न देना लंबा, हाँ बाई तरफ आओ पूरा, और हॉर्न दो। हाँ, पहाड़ों पे जितना आप हॉर्न दोगे ना उतना बढ़िया है, ठीक है। मोड़ों पे बहुत जरूरी है हॉर्न देना। भंडार पानी समझ रहे हो, मैं इतने दिनों से क्यों नहीं आया पहाड़ की तरफ? आप पता चल गया? हाँ, लैंड स्लाइड हो रखा है, देखो दोस्तों बहुत ज़्यादा ही हो रखा है। लेकिन अब तो ये सफा, और ये मेरे ख्याल से कल किया है सफाई, आज ही किया है? आज ही लग रहा है, ताजा लग रहा है, वही मैं भी देख रहा हूँ। जब भी बारिश पड़ती होगी तब भी हो जाता है। हाँ, ये सब लैंड स्लाइड वाले ही है एरिया। दीपक भाई हॉर्न कम दे रहे हो आप। जब बंदा एक्सप्रेस वाला होता है तो फिर हॉर्न कम देता है, ब्रेक के पैर स्पीड नहीं, हॉर्न देते ही नहीं है गाड़ी वाले, देते ही नहीं। फिर देख रहे हो दीपक भाई कितने पेड़ गिर रखे हैं। नहीं रेस नहीं, ब्रेक पे पैर रखो, ढलान है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कितने पेड़ गिर रखे हैं। अच्छा, वो मेरा सही रहा कि मैं बरसातों में यहाँ नहीं आया, और आना भी नहीं चाहिए। मैं तो हर किसी से बोलूँगा कि पहाड़ पर, हाँ ये ढलान है तो स्पीड खुद ही पकड़ेगी। तो इसलिए तो बोलते हैं कि छोटे गियर में उतरे हैं हम। अभी अगर हमने थर्ड गियर करा होता ना तो और तेज़ स्पीड पकड़ती फिर गाड़ी, समझ लो। इसलिए छोटा गियर, ये क्या ना सेकेंड गियर है तो गाड़ी भारी चल रही है। जितने ढलान पे जितने छोटे गियर होंगे उतना बढ़िया रहेगा। तो इसलिए बोलते हैं चढ़ाई पे चढ़ते वक्त जो गियर का आप इस्तेमाल करते हो, उतरते हुए भी उसी गियर का इस्तेमाल करें, या उससे छोटे गियर का इस्तेमाल करें, लेकिन उससे बड़े गियर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। ब्रेक पे आ रहा है मजा आज। ऐसी सड़क चाहते थे आप? इससे भी खतरनाक सड़क है, लेकिन आप क्या करें, जिस हिसाब से हम सिचुएशन में चल रहे हैं तो मैं तो सजेस्ट भी नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी चलते हैं, कहीं ना कहीं तक तो पहुँचेंगे। वो आपके हाथ में स्टेयरिंग है, वापसी में तो सिरेस उड़ाते हुए लेकर आएगा। हॉर्न भी दे दिया करो, हॉर्न का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हो आप। और रॉन्ग साइड मत जाओ अपनी साइड से, चलो।
पिछली बार मुझे यहीं टाइगर दिखाई दिया था, आप नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन थोड़ा स्पीड को कंट्रोल करो दीपक भाई, बहुत ज़्यादा स्पीड हो गई, ब्रेक ब्रेक हो, कितना खतरनाक यूटर्न है दोस्तों। चलो सब पास। देखो भाई जब इतना घंगो जंगल आ जाए और आपको लग रहा है कि सड़क सीधी है, सीधी तो है ही, लेकिन गलती से भी स्पीड मत बढ़ाना, क्योंकि जंगली जानवर कभी भी पार कर सकता है। जैसे कि ये पेड़ देखो, हाथी ने गिरा रखे हैं, हिरन नीलगाय वगैरह वगैरह ये रास्ते एकदम स्पीड में पार करते हैं, तो इसलिए अपनी वाहन की इतनी स्पीड रखें कि आप कंट्रोल कर लो, उससे ज़्यादा तेज ना चलो, ठीक है। ये कंट्रोलिंग बनाए रखनी है आप लोगों ने, ब्लाइंड मोड़ों पर हॉर्न का इस्तेमाल करो। मैं सभी से बोलना चाहूँगा जितने भी वीडियो देख रहे हैं, अप्लाई जरूर करें, मोड़ों पर हॉर्न अवश्य दें, इससे कि आप दुर्घटना से बचो, और स्पीड में तो बिल्कुल भी ना चलें। सड़क मत उतारना बाई तरफ, हाँ पानी आ रखा, देखो नाला आ रखा, आगे नाला आ रखा है, बंदे पता आ गए रास्ता, लेकिन हमारे लिए खुला है जहाँ तक हम जा रहे हैं। ये दीपक भाई के पसीने छूटते हुए यहाँ पर, सही कह रहा हूँ, है नहीं? ये एक के बाद एक ब्लाइंड मोड़। ओ भैया सांप बनाते, सांप भैया। चलो भैया आखिरकार हम सीतामढ़ी तक चलते हैं। क्लच सब नाले आ रखे भाई। लो भैया तुम्हें सीतामढ़ी भी लिया, फिर मत बोलना कि सीतामढ़ी भी लेके नहीं आया मैं, ठीक है। सीतामढ़ी हम जस्ट वहीं से हम यूटर्न लेंगे, वो अंदर जाते हैं, यहाँ से सीतामढ़ी अंदर है और यहाँ से इधर को जाएंगे तो पाठकोट, हमने यू टर्न करना है, यहाँ से वापस करना है, हाँ यहाँ से यू टर्न करना है, खुद मोड़ लेना गाड़ी, ऐसे डाल के ऐसे बैक करके ऐसे आ जाओ, या ऐसे डाल के ऐसे बैक करके ऐसे आ जाओ, या पूरा यू टर्न ले लो, लो पूरा यू टर्न। वो देखो नाला रखा मैंने, गाड़ी पीछे देखो, अब बताओ। अरे हम तो करेक्ट बोलते हैं, तो दीपक भाई ने हमें सही सलामत यहाँ पहुँचा दिया है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, इनकी ड्राइविंग पसंद आए, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिसका नाम है BK मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, और नई से नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।